Good morning, students. Today we will continue our chapter, that is heat, about the transfer of heat. We have done three modes, that is the conduction, convection and radiation. Today we will study the application of that is the sea breeze and land breeze, because ये दोनों ही method में हम कौन से modes of transfer of heat use करते हैं and how the sea breeze and land breeze occur, that we will study in today's video. So today date is 8th of January 2021. We are doing revision work. Revision work. Chapter four, heat. And this is the second part of this video, second part of this chapter. Fine. We will do sea and land breeze, yani ki sea breeze and land breeze. Okay. आपको ये प्रॉपरली समझाने के लिए आई एम जस्ट ड्रॉइंग अ रफली डायग्राम ऑफ अ सी कोस्ट, बीच का एक मैं डायग्राम ड्रॉ करती हूँ. दिस इज अ बीच, दिस इज अ ओशियन. क्या है ये यहाँ पे? ओशियन, ओशियन समुद्र है, ठीक है. एंड दिस इज द लैंड. कोकोनट ट्री है ना, सी बीचेस पे यही होती है ना, कोकोनट ट्री. सो दिस इज दैट कोकोनट ट्री, दीज आर द कोकोनट्स, ठीक है. ये क्या है? लैंड यानी कि जमीन, ठीक है. एंड दिस इज द ओशियन. यहाँ पर ओशियन देखने के लिए हम मेकिंग अ बोट ओवर हियर, जिससे आपको ये पता लगेगा कि हाँ ये ओशियन है. ठीक है बेटा, सो हम पढ़ने जा रहे हैं लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज. ओके, नाउ इट इज विजिबल, राइट? ओके, परफेक्ट. नाउ ड्यूरिंग द डे टाइम, अब हम डे की, दिन की बात करते हैं, ठीक है. हम रबिंग इट ताकि आपको इजीली दिख जाए. ओके, नाउ ड्यूरिंग डे टाइम यहां पर है सनलाइट, ये है सन. हम दिन की बात कर रहे हैं, है ना, सन. तो हम बात कर रहे हैं क्या? डे. हम नाइट की बात नहीं कर रहे, हम दिन की बात कर रहे हैं. दोनों पर, ओशियन एज वेल एज ऑन लैंड, इक्वल सनलाइट आ रही है. लेकिन प्रॉपर्टी है, ओशियन जो है वो लेट गर्म होता है और ठंडा भी लेट होता है, जबकि लैंड जो है वो जल्दी गर्म हो जाता है और जल्दी ठंडा हो जाता है. तो ड्यूरिंग द डे सनलाइट के ड्यूरिंग विच वन ऑफ इट सरफेस गेट वॉर्म? फर्स्ट लैंड, ठीक है. लैंड जल्दी गर्म हो जाएगा. ओके, तो लैंड जो गर्म हो गया है तो इसके कॉन्टेक्ट में जो जमीन है उसके कॉन्टेक्ट में एयर भी होती है. अब वो एयर जो है गर्म हो चुकी है,
अब एयर जो गर्म हो चुकी है वो क्या करेगी, ऊपर की तरफ मूव करेगी, बिकॉज जैसे ही एयर वार्म हो जाती है वो लाइट इन वेट हो जाती है, हल्की हो जाती है, हल्की होने के कारण वो ऊपर की तरफ राइज करेगी. सो हॉट एयर विल राइज अप फ्रॉम द लैंड. ओके फाइन. हियर अब ये प्रॉपरली गर्म नहीं हुआ है, तो यहां पर क्या है, ये स्पेस खाली है, ये ऊपर का दिस स्पेस इज स्टिल वेकेंट एज कंपेयर टू दिस स्पेस. ओके नाउ व्हाट विल हैपन, दिस एयर, अब ये एयर क्या करेगी, इसकी जगह लेने की कोशिश करेगी, यानी कि ये एयर मूव करेगी इस डायरेक्शन में. आ गई यहां पर राइट. और अब यहां पर ये एयर आ गई, तो ये एरिया जो है खाली हो गया. अब यहां पर हवा कहां से आएगी, यहां से, यानी कि जमीन के पास हवा आएगी किसकी तरफ से, ओशियन की तरफ से. तो जो इंसान यहां पर इसी बीच पर बैठे हुए हैं उनको हवा क्या लगेगी, कहां से आ रही है, ओशियन से हवा आ रही है. जो कि हवा कैसी होगी, ठंडी होगी, कोल्ड, कूलर, है ना, क्यों, क्योंकि तो अभी गर्म ही नहीं हुआ है और गर्म हवा तो ऊपर जा चुकी है. गर्म हवा ओशियन की तरफ आएगी, वार्म एयर, एंड द कूलर एयर विल मूव टुवर्ड द लैंड. इसको बोलेंगे हम सी ब्रीज. क्या बोलेंगे इसको हम, सी ब्रीज, क्योंकि जो हवा चल रही है वो कहां से चल रही है, फ्रॉम लैंड, फ्रॉम ओशियन टू लैंड, दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज अ सी ब्रीज. ब्रीज का मतलब होता है बेटा हल्की सुहावनी हवा, एयर. ओके ब्रिज की बात नहीं कर रहे, आई एम टॉकिंग ऑफ द ब्रीज. ठीक है. सो ड्यूरिंग द डे टाइम जो बीच के ऊपर इंसान जाएंगे उनको कैसी हवा मिलेगी, ठंडी हवा मिलेगी. इसलिए दिन के टाइम जो है लोग बीच पे जाते हैं. ठीक है, आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू राइट. जस्ट लुक एट इट वंस अगेन. मैं आपको फिर से एक बार इसको रिवाइज कराऊंगी, पहले इसको देख लो कि मैंने किया क्या. एंड सच टाइप ऑफ ब्रीज इज नोन एज सी ब्रीज. चलो मैं एक बार फिर से समझाती हूं आपको. सन है वो अपनी हीट जो है लैंड पे और ओशियन पे इक्वली देगा, बट प्रॉपर्टी है लैंड जल्दी गर्म हो जाता है, तो ये गर्म हो गया. यहां की कांटेक्ट में जो एयर थी लैंड के गर्म होने की वजह से वो एयर भी गर्म हो गई. जब वो एयर गर्म हो गई तो वो हल्की हो गई एंड दे विल स्टार्ट राइजिंग अप, ऊपर की तरफ गए, यहां तक पहुंची. फिर उनको लगा कि यहां पर तो कोई गर्म हवा है ही नहीं, तो ये खाली एरिया है, तो उन्होंने इस साइड मूव करना स्टार्ट कर दिया. यानी कि गर्म हवा किसकी तरफ जा रही है, ओशियन की तरफ. ठीक है, अब यहां पर वो यहां आ गई है एयर, तो ये एरिया खाली हो गया. अब इसको फिल करने के लिए कौन सी एयर भागेगी, दिस वे, दिस एयर. ये एयर यहां पर इसके स्पेस को ऑक्यूपाई करने की कोशिश करेगी. जब ये एयर यहां पर ब्लो करेगी तो ये बेसिकली कौन सी हवा है, ये तो ठंडी हवा है, कूलर हवा है, क्योंकि अभी तक जो आपका ओशियन का सरफेस है वो अभी गर्म नहीं हुआ है, तो इसके कांटेक्ट की जो एयर है वो तो ठंडी है राइट. वो मूव करेगी किसकी तरफ, लैंड की तरफ. तो यानी कि ड्यूरिंग द डे टाइम कौन सी एयर मूव की, कूल एयर, कहां से कहां, फ्रॉम सी टू लैंड. ओके और इसी को हम क्या बोलते हैं, सी ब्रीज. आई होप इट इज क्लियर टू यू नाउ, है ना बेटा. आप इसको अपनी लैंग्वेज में जिस तरीके से मैंने आपको समझाया है यू विल ट्राई टू राइट इट बाय योर ओन राइट. अब हम
करेंगे सेकंड पार्ट, नाइट के टाइम क्या होता है। कि ड्यूरिंग द नाइट टाइम व्हाट विल हैपन, क्या चेंज आता है, दैट वी विल स्टडी। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। बात करेंगे ड्यूरिंग द नाइट, ये क्या है मून, क्योंकि हम नाइट की बात कर रहे हैं, रात है एंड दिस इज मून। अगेन आई एम ड्रॉइंग द सेम फिगर ओवर हियर, दिस इज द ओशियन, है ना, ओशियन है। अगेन मैं यहां पर एक बोट बना रही हूं जिससे आपको पता लगेगा कि हाँ ये ओशियन है, एंड दिस इज द लैंड। Here I'm again drawing a tree, ताकि आपको पता लगे yes it is a land। मैम ने जो है एक land draw किया है यहाँ पर, ठीक है, this is a tree। ठीक है, दिस इज आवर डायग्राम, जो सी बीच है ये सी का किनारा है एंड ड्यूरिंग द नाइट टाइम। ओके, पूरे दिन सन रहा जिसके कारण जब सनसेट होने से पहले हमारा ये ओशियन जो है कंप्लीटली वार्म हो चुका है, गर्म हो गया है। दिन में नहीं था लेकिन जैसे ही सन सेट होने लगा तो कितना टाइम हो गया, 12 आवर्स के अंदर तो ये इजीली जो है आपका कुछ घंटों में यानी कि 7-8 आवर में ही ये गर्म होना स्टार्ट हो जाएगा, तो ये गर्म हो चुका है, ठीक है। लेकिन जैसे ही नाइट आई तो ये गर्म पहले जल्दी हुआ था तो ये ठंडा भी बहुत जल्दी हो जाता है। अब दिस टाइम क्या हुआ, अब ये गर्म है एंड दिस वन इज कूलर, तो यहाँ की एयर जो है इसके क्योंकि वाटर गर्म हो चुका है इस वजह से इसके सरफेस पे जो भी एयर आएगी वो भी गर्म हो जाएगी बाय द मेथड रेडिएशन। अब वो गर्म हो चुकी है इसके वजह से अब यहां पर जो है एयर जो है राइज करेगी, ऊपर की तरफ उठेगी क्योंकि वो गर्म हो चुकी है, इट बिकम्स लाइट इन वेट, दैट्स व्हाई इट विल स्टार्ट राइजिंग अपसाइड। अब राइजिंग अपसाइड हुई, ओके, अब यहां पर जो है ठंडी हवा है तो ये वाला एरिया खाली है क्योंकि ये वाला एरिया ऑक्यूपाई कब होगा, जब यहाँ पे गर्म हवा आएगी ऊपर की तरफ जाएगी, राइट, बट दिस टाइम दिस एरिया इज वेकेंट, दैट्स व्हाई दिस एयर विल स्टार्ट मूविंग दिस साइड फॉर ऑक्यूपाइंग द स्पेस। अब ये कौन सी हवा थी, गर्म हवा थी, वार्म एयर, यानी कि ड्यूरिंग द नाइट लैंड की तरफ कौन सी हवा जा रही है, वार्म एयर, कौन सी हवा जा रही है, वार्म एयर, और यहां की अब ठंडी हवा किस तरफ आ रही है, ओशियन की तरफ। इसीलिए रात को बीच पर नहीं जाना चाहिए क्योंकि वहां पर आपको गर्मी लगेगी, क्यों, बिकॉज कौन सी एयर मूव कर रही है, ओशियन की एयर लैंड की तरफ आ रही है और लैंड की हवा कहां जा रही है, ओशियन की तरफ। सो बेसिकली इसको हम बोलते हैं क्या, लैंड ब्रीज, व्हाट वी कॉल इट एज अ लैंड ब्रीज। ओके बेटे, इसीलिए सी बीच पे दिन में लोग जाते हैं और रात को नहीं जाते हैं, क्यों, क्योंकि लैंड की तरफ कैसी हवा आती है, गर्म हवा आती है, ठीक है। तो ड्यूरिंग द नाइट टाइम लैंड ब्रीज इज देयर, ठीक है, क्योंकि अब ये मैं एक बार फिर से आपको समझाऊंगी,
पहली बात तो जितना मैंने आपको समझा दिया है एक बार आप वो फिर से देखो, आफ्टर दैट आई विल टेल यू, ठीक है? आफ्टर दैट मैं एक बार फिर से इसको एक्सप्लेन करूंगी आपके लिए ताकि अच्छे से आपको समझ आ जाए। ओशियन है प्रॉपर गर्म हो चुका है, जो इसके सरफेस के ऊपर एयर है वो इसके वाटर की गर्म होने की वजह से वो गर्म हो जाती है, एंड इफ दे बिकम वार्म एयर दे बिकम लाइट इन वेट, तो सो दे स्टार्टेड राइजिंग अपसाइड, एंड हियर ओवर द लैंड द स्पेस इज वेकेंट, दैट्स व्हाई दे विल रशेस टुवर्ड्स द लैंड टू ऑक्यूपाई दैट स्पेस। Fine. To occupy this space. Fine. So during the night time, what will happen? कि जो भी air है वो किस side move कर रही है आपकी? Ocean की तरफ. Fine. और जो ocean से land की तरफ हवा जा रही है वो कैसी है? गर्म है, warm air है. Right. इसीलिए हम क्या बोलते हैं इसको? Land breeze. तो दिन में कौन सी ब्रीज थी? सी ब्रीज। एंड एट नाइट विच टाइप ऑफ ब्रीज इज देयर? लैंड ब्रीज। फाइन, सो प्लीज गो थ्रू इट वंस अगेन, आई एम गिविंग यू अ मिनट फॉर इट, प्लीज। Go through it, beta. All right. आपको समझ में आ गया? Properly, sea breeze and land breeze. अब हम इस चैप्टर का एंड कर रहे हैं, एंड इसके ड्यूरिंग आपका जो इम्पोर्टेंट आपको नॉलेज होनी चाहिए उसको मैं डिस्कस करूंगी, पे अटेंशन टुवर्ड्स इट, ओके बेटा? हम कोई भी ऑब्जेक्ट हमारे सामने है उसकी हीट को हम जो है टच करने से उसकी डिग्री ऑफ हॉटनेस या कोल्डनेस हम पता नहीं कर सकते हैं। हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं, हम ये कह सकते हैं हाँ ये गर्म है, हमने टच किया, हमारे सेंस ऑर्गन्स ने ब्रेन की हेल्प से हमें बताया कि हाँ ये गर्म ऑब्जेक्ट है या ये ठंडा ऑब्जेक्ट है, फाइन ठीक है, लेकिन हम ये नहीं बता सकते हैं कि इसका टेम्परेचर कितना है, राइट? क्लियर और नॉट? सो ओके, हम जो टेम्परेचर मेजर करते हैं किसी भी लाइक डिग्री टेम्परेचर, लाइक किसी का हमें बताना हॉटनेस कोल्डनेस किसी ऑब्जेक्ट की, तो हम क्या बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं उसके टेम्परेचर की। बहुत बार माइंड में ये होता है कि टेम्परेचर मतलब गर्म, नो, टेम्परेचर मीन्स कोल्डनेस भी होता है, ओके? सो टेम्परेचर मेजर्स द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ द बॉडी, टेम्परेचर मेजर्स द हार्डनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी, क्लियर बेटा? नेक्स्ट वन, हमारी बॉडी का टेम्परेचर हम
फाइंड आउट करते हैं फ्रॉम द क्लिनिकल थर्मोमीटर. फ्रॉम द क्लिनिकल थर्मोमीटर जिसकी रेंज होती है बेटा फ्रॉम 38 डिग्री सेल्सियस से लेकर 42 डिग्री सेल्सियस तक. हम अपनी बॉडी का टेम्परेचर जो है मेजर करते हैं एक इंस्ट्रूमेंट से, दैट इज कॉल्ड द क्लिनिकल थर्मोमीटर. ओके, जिसकी रेंज होती है फ्रॉम बिटवीन 38 डिग्री सेल्सियस से लेकर, नॉट बिटवीन, दिस द अपर मोस्ट पॉइंट, 38 डिग्री तक हो सकता है या फिर 42 डिग्री सेल्सियस. लेकिन इफ आई एम राइटिंग हो या 35 से लेकर 42 डिग्री तक, ठीक है, इतना तो मिनिमम सभी में होता है. लेकिन जो हम नॉर्मल टेम्परेचर की बात अगर करें ह्यूमन बीइंग की, कब हमारा टेम्परेचर नॉर्मल है? एट 37 डिग्री सेल्सियस. यानी कि नॉर्मल टेम्परेचर कितना होगा? 37 डिग्री सेल्सियस. ठीक है बेटा, ओके. एक क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है, एक होता है बेटा लैबोरेटरी थर्मोमीटर, जो कि हमारा नेक्स्ट पॉइंट है. लैबोरेटरी थर्मोमीटर ये बेसिकली होता है बेटा बॉडी के अलावा, ह्यूमन बॉडी के अलावा, और किसी भी बॉडी का अगर आपको टेम्परेचर मेजर करना है तो वो हम यूज करते हैं लैबोरेटरी थर्मोमीटर. ठीक है, किसी भी अदर ऑब्जेक्ट अदर देन द ह्यूमन बीइंग, सो दैट इज मेजर्ड बाय द लैबोरेटरी थर्मोमीटर. ठीक है, नेक्स्ट वन इज देयर आर थ्री मोड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट, जो कि हमने चैप्टर की स्टार्टिंग में किया था. देयर आर थ्री मोड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट, और वो कौन से हैं? दे आर द कंडक्शन, कॉन्वेक्शन एंड रेडिएशन, है ना. दीज आर द थ्री मोड्स ऑफ, देयर आर द थ्री मोड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट, दैट इज द कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन. नाउ इफ यू टॉक अबाउट द हाउ हीट विल ट्रांसफर, किस ऑब्जेक्ट से किस ऑब्जेक्ट की तरफ जो है डायरेक्शन क्या होगी, तो बेसिकली जो हीट ट्रांसफर होती है वो होती है हॉट ऑब्जेक्ट से कोल्ड ऑब्जेक्ट की तरफ. ठीक है, सो हीट ट्रांसफर फ्रॉम, हीट ट्रांसफर ऑलवेज ट्रांसफर फ्रॉम हॉट ऑब्जेक्ट टू कोल्ड ऑब्जेक्ट. Hot object to cold object. ठीक है बेटा, so just go through these points which I have written on the board and just think over it. ये बहुत ही important point है बेटा, just write them in your revision notebook and try to cover these points. एक और पॉइंट आई वॉन्ट टू एड इन द पॉइंट ऑफ रेडिएशन, लाइक रेडिएशन जो है बेटे वो क्या करता है, मीडियम के किसी भी पार्टिकल को इन्वॉल्व नहीं करता, वो उनका यूज नहीं करता. किस पर्पज में? फॉर द ट्रांसफरिंग ऑफ हीट.
जबकि आपके कंडक्शन और कन्वेक्शन के अंदर हम मीडियम पार्टिकल्स का यूज करते हैं. किस पर्पस के लिए? फॉर कंडक्शन ऑफ हीट, राइट. वेयर एज जिस रेडिएशन की हम बात करते हैं, ये भी एक ट्रांसफर ऑफ हीट ही है, लेकिन इसके अंदर हम मीडियम के पार्टिकल्स का कोई भी यूज नहीं करते. एंड इसका जो एग्जाम्पल होगा डेट इज द सन, ठीक है. सन जो है अपनी हीट जो है सेंड करता है टुवर्ड्स द अर्थ सरफेस बाय द प्रोसेस रेडिएशन. एक और है रेडिएशन मेथड से जो हीट जो है रेडिएट करता है अपने अंदर से, डेट इज द हॉट ऑब्जेक्ट. आपने देखो, आप सोचो लाइक यू हैव टेकन अ हॉट ग्लास ऑफ मिल्क, आपने उसको टेबल पे प्लेस कर दिया. After few minutes, 20 minutes or 25 minutes, what you have observed that वो दूध का ग्लास जो है वो ठंडा हो चुका है. What's wrong with it? उसकी हीट कहाँ गई? तो बेसिकली वो हीट क्या हो गई, उसके सराउंडिंग में जो भी सराउंडिंग में कुछ भी था उसके अंदर वो क्या हो गई है, रेडिएट हो चुकी है. तो बेसिकली कोई भी ऑब्जेक्ट अगर वो ठंडा होता है तो किस मेथड से वो अपनी हीट रेडिएट करता है, थ्रू द मेथड रेडिएशन, ठीक है. वो रेडिएशन की हेल्प से अपने अंदर से हीट को एमिट करता है, यानी कि बाहर निकालता है, रेडिएट करता है. दैट्स व्हाई इट इज नोन एज रेडिएशन. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर. आई होप दिस चैप्टर इज क्लियर टू यू. And be ready for the test. Don't forget to make the notes of it. Try to frame the questions from it. And give the answers side by side. Clear, beta? Thank you so much for watching this video. Be healthy and keep smiling. Thank you.